दुख सुख में हमेशा बेसहारा लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा में अग्रणी रहने वाले शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर संगठन दुनिया भर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह संगठन हमेशा दूसरों के लिए भलाई कार्यों में सिरमौर रहता है। ऐसा ही मामला राजस्थान प्रांत के कोटा शहर से देखने को मिला, जहां शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर संगठन के सैकड़ों सेवादारों ने दीपों के पावन त्योहार दीपावली के मौके पर शहर के भारत माता सेवा समिति वृद्ध आश्रम व मधु स्मृति संस्थान अनाथ आश्रम में जाकर वहां रह रहे बेसहारा जरूरतमंद बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के साथ दीपावली के त्योहार की खुशियाँ साझी की। इस मौके पर सैकड़ों सेवादारों ने सबसे पहले अपने गृह स्थान पर मिठाई की सामग्री तैयार की और उसे बेहतरीन डिब्बों में पैकिंग करके और भी खाने की सामग्री साथ लेकर ऐसे बेसहारा लोगों के लिए भारत माता सेवा समिति वृद्ध आश्रम में गए। सबसे पहले वहां जाकर सेवादारों ने सबसे पहले उनका हाल चाल जाना और उनके साथ कई घंटों समय बिताया, क्योंकि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हाल ही में एक नए कार्य भलाई कार्य की शुरुआत करवाई थी, जहां ये फरमाया गया था पूजन गुरु जी द्वारा कि जो वृद्ध आश्रम है वहां लोग बेसहारा बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर होते हैं। वो अकेलापन उनको बहुत ही बड़ा बांझ लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना बंद कमरे में। ऐसे में पूज्य गुरुजी ने फरमाया था कि आप करोड़ों सेवादार दुख सुख में हमेशा जब भी आपको फुर्सत मिले तो ऐसे बेसहारा लोगों के साथ, खासकर बुजुर्गों के साथ समय बिताया करिए, अपने बच्चे साथ लेके जाया करें। तो यही सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए कोटा शहर के सेवादारों ने आज वृद्ध आश्रम व मधु स्मृति संस्थान अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें दीपावली त्योहार के लिए शुभकामनाएं दी, मिठाइयां दी, तोहफे दिए और तमाम तरीके की उनके साथ बातचीत की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि किस तरीके से कोटा शहर के सेवादारों ने डिब्बे पैकिंग करने के बाद गाड़ी में सामान रखकर वहाँ अनाथ बच्चों के लिए और वृद्ध बुजुर्गों के लिए उन्हें सामग्री भेंट की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य राजस्थान प्रांत की साथ संगत कोटा की, खासकर साथ संगत ने बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया है, उनका आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों को जब ऐसे मौके पर सेवादार मिले तो बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी का जो जलाल था वो वाकई देखने लायक था, क्योंकि ऐसे मौकों पर आज जिस तरीके से समय इतना हाईटेक होता जा रहा है, किसी के पास समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है, लेकिन ये लोग देख सकते हैं तस्वीरों में अनाथ बच्चों के लिए मिठाइयां लेके आ रहे हैं, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए सहारा बनते हुए डेरा श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। बाकी डेरा सच्चा सौदा के अंतक सेवादारों द्वारा कोटा में जिस तरीके से ये राहत कार्य किया गया है ये वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने फरमाया था कि बच्चों को भी साथ लेके जाएं वृद्ध आश्रम में, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की ये मुहिम वाकई सार्थक साबित हुई है।